अब क्रॉस वाइज वंस इंटू टेंस, ये क्रॉस वाइज मतलब वंस इंटू टेंस यानी वंस के स्थान पर वन है, टेंस के स्थान पर वन है, तो वन इंटू वन प्लस फिर वही क्रिया टू इंटू टू। अब इसको जोड़ करके लिख दीजिए, वन इंटू वन वन होगा प्लस टू इंटू टू फोर यानी ये हो जाएगा फाइव। ठीक है, अब लास्ट में तीसरे पर, तीसरे स्टेप में है टेंस इंटू टेंस, ये उर्दू में आ जाएगा टेंस इंटू टेंस यानी टेंस के स्थान पर टू है और नीचे जो है वन है, ये होगा टू इंटू वन। अब हमको ध्यान देना है, अब आपका गुणनफल तैयार हो गया, अब इतना करना जान गए, जैसे वंस इंटू वंस टू तो जो टू आया इसको यहां लिखेंगे। ठीक है, दूसरे स्टेप में वंस इंटू टेंस और वंस इंटू टेंस दोनों का जोड़ करके हमको कितना प्राप्त हो गया, फाइव फाइव। फिर टेंस इंटू टेंस यानी टू इंटू वन आपको टू प्राप्त हो गया। अब हम चेक करेंगे कि जो हम किए हमारा गुणनफल सही है गलत है, तो ये हम लोग बीजांक इसका निकालेंगे, टू और वन का बीजांक कितना हो जाएगा, रविंद्र जी थ्री हो गया, थ्री और वन और टू का थ्री हो गया, और इसका बीजांक का भी अगर गुणा है तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा। अब चेक करेंगे कि हमारे गुणनफल का जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त हुआ है उसका भी बीजांक नाइन आ रहा है या नहीं, अगर नाइन नहीं आता है तो समझ लीजिए कि हमारा जो आंसर है गलत है ना, ये ना है हमारा चेक करने का मतलब। चेक करिए, टू प्लस फाइव सेवन, सेवन प्लस टू नाइन आ रहा है। गोपाल राव जी बोल दिए तो हम समझ जाएंगे कि सभी लोग समझ रहे हैं ना। चलिए अच्छी बात, ये नाइन आ गया, इसका मतलब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये हमारा उत्तर क्यों प्रिंटिंग।